हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम है लक्ष्मी एंड वेलकम टू लकीज ब्यूटी एंड क्रिएशंस। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि बेबी का पैंट बनाया जाए, तो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। सर्कुलर निटिंग नीडल भी आप यूज कर सकते हो, या डबल पॉइंटेड नीडल से आप किस तरह से ये सीमलेस, मतलब कहीं पे भी आपको ये जोड़ने की जरूरत नहीं है, पूरा राउंड एंड राउंड ये बनता है, कहीं पे भी आप जोड़ा नहीं जाता। और यहाँ पे जो सेंटर के पार्ट है, पूरा सिलने के बाद यहाँ पे जो पार्ट है यहाँ पे ही आपको थोड़ा सा सिलना पड़ेगा अंदर से, तो मैं फिनिशिंग अभी बाद में कर लूंगी। वो ओनली ये सेंटर का जो गैप पार्ट है उसी को आपको ज्वाइन करने के अलावा कहीं पे भी आपको सिलने की जरूरत नहीं है। ये सीमलेस, मतलब सिलाई बगैर आप राउंड एंड राउंड बना सकते हो, सर्कुलर निटिंग नीडल से या गले सिलने वाले डबल पॉइंट निटिंग नीडल से आप बना सकते हो। तो चलिए, ये 6 मंथ्स टू 1 ईयर बेबी तक का पैंट है, किस तरह से बना सकते हो वीडियो के एंड में बताऊंगी मैं आपको छोटा साइज किस तरह से बनाओगे और कितना आप साइज ले सकते हो, उस फंदे ले सकते हो। तो ये है पैंट, और चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरह से बनाया जाता है। बैम्बू सर्कुलर निटिंग नीडल है, एंड यहाँ पे जो डबल पॉइंटेड निटिंग नीडल है बैम्बू के, इनका दोनों पूरा सेट ये मिलता है। मैं अमेजोन से मैंने ये परचेज किया, इसका मैंने मेरे चैनल पे रिव्यू भी कर चुका है। उन रिव्यू वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, उसके वीडियो के लिंक में मैं एक अगर आप परचेज करना चाहते हो तो अमेजोन का लिंक भी मैंने उन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो प्लीज़ वो उन वीडियो को आप चेक कर सकते हो अगर आप ये बैम्बू निटिंग नीडल के रिव्यू या देखना चाहते हो, तो प्लीज़ चेक इट आउट फ्रेंड्स। यहाँ पे जो ये डोरी डाला हुआ है ये बहुत ही सॉफ्ट एंड स्ट्रेचेबल है, एंड ये इस तरह से राउंड में बनाया जाता है। ये क्रोशिया से या निटिंग से दोनों से बनाया जाता है, इसको आई कॉर्ड बोलते हैं। ये 2 स्टिचेस या 3 स्टिचेस इस तरह से भी बनाया जाता है। तो मैं क्रोशिया से या निटिंग किस तरह से इस तरह का ये कॉर्ड बनाया जाता है डिफरेंट डिफरेंट स्टिचेस के साथ, मैं दोनों वीडियोज, मैंने सारे वीडियोज मेरे चैनल पे हैं, तो उन सबका निटिंग का आई कॉर्ड एंड क्रोशिया के आई कॉर्ड का मैंने लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप यही बना के डालिएगा क्योंकि ये राउंड बनता है और बहुत ही सॉफ्ट बनता है और खुलेगा नहीं। आप देख सकते हो कितना सुंदर ये राउंड शेप का कॉर्ड एंड फ्लेक्सिबल होता है, एंड बच्चों के लिए बहुत सॉफ्ट रहता है ये, तो इसलिए ये इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वो भी चेक कर सकते हो। तो लेट स्टार्ट। यहाँ पे मैंने 2 प्लाई का ओसवाल का ऊन लिया है, ना बहुत ज्यादा ना पतला या मोटा है, नॉर्मल ऊन है। एंड यहाँ पे ये जो सर्कुलर निटिंग नीडल है प्लास्टिक बैम्बू का है, ये प्लास्टिक का पाइप वाला, इसका मैंने रिव्यू मेरे चैनल पे कर दिया है। अगर ये परचेज करना चाहते हो ये, तो आप ये 16 इंच के 40 सेंटीमीटर या 16 इंच या 40 सेंटीमीटर के ये सर्कुलर निटिंग नीडल है, इनका रिव्यू मैंने कर दिया है मेरे चैनल पे। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, अगर आप खरीदना चाहते हो तो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक, आपको ये ऑनलाइन अमेजोन से मैंने खरीदा हुआ है उसका लिंक आपको वहां पे मिल जाएगा। इस वीडियो के लिंक में भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इनका मैं लिंक आपको डाल दूंगी अगर आप परचेज करना चाहते हो। तो ये जो सर्कुलर निटिंग ने बहुत ही, यहाँ पे नीडल बहुत ही शॉर्ट रहता है एंड छोटे राउंड वर्क करने में बहुत ही आसान होते हैं, जैसे कैप्स हो या कुछ राउंड में हमें करना है स्वेटर्स वगैरह गले से स्टार्ट करने वाले, तो ये बहुत हेल्प होते हैं। अगर आप निटर्स हो तो ये आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, काफी अच्छे क्वालिटी के हैं ये, बहुत सारे सभी साइजेस में आते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 3.7 mm का सर्कुलर निटिंग नीडल, बैम्बू सर्कुलर निटिंग नीडल। हमें एक क्रोशिया का हुक चाहिए, चाहे कोई भी साइज का हो। और यहाँ पे मैंने डबल पॉइंटेड बैम्बू निटिंग नीडल है, इनका भी मैंने रिव्यू कर चुका है, उसका वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहां पे आप चेक कर सकते हो। खरीदने के लिए भी लिंक में ऑनलाइन का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो यहाँ पे उस वीडियो को भी आप चेक कीजिएगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो यूएस साइज 3.5 mm का हमने लिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, शायद आपको दिखे यूएस साइज 4 है या 3.5 mm का, ये 3.75 है, लेकिन ये जो है इसके हिसाब से हम देखे जाए तो मुझे मालूम नहीं क्यों ये फर्क दिख रहा था, तो मैं यहाँ पे 3.5 mm या इस दोनों का बराबर हो जाएगा, तो ये मैंने लिया हुआ है। तो लेट स्टार्ट, हम फंदे डालने के लिए चेन का मेथड यूज करेंगे। डबल बॉर्डर मुझे डालना है, तो चेन करने के बाद यहाँ पे मुझे 90
फंदे चाहिए तो मैं यहाँ पे 90 चेन्स डालूंगी, एक डबल एक स्लिप नॉट करने के बाद इस तरह से एक, कैसे डबल बॉर्डर कैसे बनाया जाता है सिंपल वे में मैंने बताया हुआ है, उसका भी वीडियो है, मैं लिंक में डाल दूंगी उस वीडियो। 1 2 3 4 5 इस तरह से हम 90 चेन्स डालेंगे। चेन्स हो गए हैं, थ्रेड कट कर लेंगे और इसको होने के बाद यहां से हमने कट कर लिया था। अब यहाँ पे चेन के जो बैक लूप है वहां पे हम ये फ्रंट चेन का फ्रंट पार्ट है, बैक में आप देखोगे तो यहाँ एक एलिवेशन आपको नजर आएगा। तो यहां से हमें फंदे उठाने हैं, आपको जितने फंदे उठाने हैं उतने आप चेन डालिएगा। यहाँ पे मुझे 90 फंदे चाहिए तो 90 चेन्स मैंने लिए हैं इस तरह से। ये एक दो तीन चार इस तरह से पूरा ये मैं 90 फंदे ले लूंगी। सारे फंदे मैंने निडल के ऊपर चढ़ा लिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एंड पार्ट है, यहाँ पे आप एक नॉट डाल दीजिए, जहां पे हमने गांठ मारा था चेन डालते हुए लास्ट एंड में नॉट डाला था वहां पे एक नॉट डाल दीजिए एक्स्ट्रा, ताकि हम यहाँ से निकालेंगे तो बाद में आसानी से ये निकल पाए। तो यहाँ से एक मैंने नॉट डाला आइडेंटिफाई के लिए। तो अब यहाँ 2x2 का रिब बनाएंगे हम, अराउंड 3 to 4 इंच का रिबिंग बनाएंगे हम। फर्स्ट हम स्टिच उतारा तो नॉर्मल 2x2 सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, इस तरह से हम रॉन्ग साइड पे भी अगेन हमें दो सीधे दो उल्टे 2x2 का रिब। आप कोई भी आपके पसंद का बॉर्डर आप डाल सकते हो, 1x1 रिब या गार्टर स्टिच या सिंपल बुनाई भी आप डाल सकते हो। मैं यहाँ पे 2x2 का रिब अराउंड ये हम रिबिंग करते हुए जाएंगे। तो मैं रिबिंग का बॉर्डर कंप्लीट होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। हम अब 4 इंच तक का बॉर्डर हमने 2x2 का रिब बुन लिया है। अब यहाँ पे जो है डबल बॉर्डर हमें इस तरह से करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जस्ट स्टार्टिंग हमने जैसे चेन करने के बाद एंड पे हमने क्लोज करने के बाद यहाँ नॉट डाला था, ताकि निकालते टाइम ये इजी हो। तो यहाँ पे मैंने एक नॉट डाला था, तो इस तरह हमें खुलना है। एक डबल पॉइंटेड नीडल मैंने लिया हुआ है एक्स्ट्रा, और इस नॉट को हम ओपन कर लेंगे। आप देख सकते हो नॉट को ओपन करने के बाद यहाँ आराम से ये इस तरह से निकल रहा है। तो जैसे ये एक निकलेगा तो यहाँ पे हमें एक ओपन किया हुआ एक स्टिच यहाँ पे मिल रहा है। तो इसी तरह हम हर एक चेन को ओपन करते हुए इस लूप में हम लेते जाएंगे स्टिचेस को। इस तरह से सारे स्टिचेस मैं निकाल लूंगी, सारे मैंने नीट से ये निकल जाता है इस तरह से करने से, और सारे स्टिचेस मैंने उठा लिए हैं नीडल के ऊपर। अब इस तरह से आपको दिखेगा, अब ये जो थ्रेड है हम हमारे तरफ करेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे दोनों को, एजेस को आप देख सकते हो, नहीं तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, जैसे आपकी मर्जी। तो मैं इस तरह से, मैं धागा मेरी तरफ है। अब हम जो ये नीडल है इसी को अब हम 3 नीडल बाइंड ऑफ करेंगे। यहां से एक स्टिच और ये यहां से एक स्टिच, पहला वाला स्टिच आपको दिख रहा है यहां पे, ये वाला। तो इन दोनों को मिला के हम सीधा बुन लेंगे, ताकि ये इस तरह से ये बन जाता है होल। तो यहाँ पे हम नाड़ा डाल सकते हैं या डोरी डाल सकते हैं पैंट के लिए। तो अब इन दोनों को
उतार लेंगे। फिर हम नेक्स्ट स्टिच, इसमें से नेक्स्ट स्टिच, इसी तरह में सारे स्टिचेस में। ये सर्कुलर नीटिंग नीडल है उसी से, क्योंकि हमें ये राउंड चाहिए, मैं सारे स्टिचेस इस तरह से बुन लेती हूँ दोनों मिला के, और उसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हमने दोनों जोड़ लिया, और यहाँ पे आपको एक नाड़ा डालने के लिए होल भी बन गया। अब हम यहाँ पे इस तरह से राउंड जॉइंट कर लेंगे, और ये इस तरह से बनेगा, और यहाँ से हम जोड़ लेंगे। अगर आपके पास सर्कुलर निटिंग नीडल नहीं है तो इस तरह से गोल गले सिलने वाले जो 9 नंबर के नीडल रहे वो आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे मेरे पास बैम्बू नीडल नीडल है। अगर आप एल्यूमिनियम का या स्टील का जो भी आपके पास हो, 9 नंबर के या 10 नंबर के ये गले सिलने वाले सिलाई है, उसे आप राउंड बुन सकते हो। इनसे कैसे बुनना है आपको, जैसे एक लेग पोर्शन हम बनाते हैं तब आपको ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट हम यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे है नीडल, ये यहाँ पे फर्स्ट मैं एक मार्कर लगा देती हूँ, यहाँ पे एक मैं मार्कर लगा देती हूँ। तो अब हम नेक्स्ट सीधा सीधा बुनते जाएंगे, ये यहाँ पे है। तो नेक्स्ट हम पूरा इस तरह से राउंड, ये आप बुनने के बाद यहाँ पे एक गैप मिलता है, और नेक्स्ट बुनते हुए जाओगे तो आपको इसी तरह हम राउंड एंड राउंड पूरा सीधे बुनाई करते जाएंगे। ये सीधी बुनाई पूरा हम राउंड यहाँ तक करेंगे, फिर कंटिन्यूस राउंड एंड राउंड इसी तरह में। ये फर्स्ट रो चल रहा है, अब हम इसी तरह से ये कलर 4 रोज में, और मैं क्रीम कलर यूज कर रहे हैं डबल कलर, आप चाहे तो एक ही कलर में बना सकते हो। और ये 4 रोज, तो टोटल इससे 4 रोज का मैं स्ट्रिप्स बनाते हुए जाऊंगी। तो मैं कुछ बुनने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। आप ये कोई भी पैंट का मेजरमेंट ले सकते हो। यहाँ पे बॉर्डर के बाद यहाँ से अराउंड 2.5 इंच तक यहाँ तक हमने बुन लिया है। अब यहाँ पे आप चाहे तो यहीं पे आप बढ़ा सकते हो फंदे, मैं यहाँ से बढ़ाना शुरू करूंगी। तो ये टोटल 90 फंदे हैं, 90 फंदे में आधा करेंगे तो यहाँ पे 45, यहाँ पे 45 बनेंगे। तो हमें रखना है सेंटर में यहाँ पे 2, और ये बैक साइड पे 2 स्टिचेस चाहिए बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे 2 स्टिचेस हम बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे बचेंगे एक साइड पे 43, यहाँ पे 43। तो हम यहाँ पे मार्कर डाल देंगे। यहाँ पे एक राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है, आप देख सकते हो ये इसका सेंटर मार्क है। तो इस सेंटर मार्क से दोनों साइड का एक एक स्टिचेस हम ले रहे हैं। तो ये सेंटर मार्क के इस साइड का स्टिच है, इसमें हमें बढ़ाना है। तो इसके बाजू में मैं एक मार्कर लगा दूंगी, और ये जो सेंटर का स्टिच के इस साइड पे एक है, तो इस साइड पे एक मैंने मार्कर लगा दी है। अब ये सेंटर स्टिच के मार्कर के दोनों बाजू में एक एक स्टिच है, यहाँ पे 2, और यहाँ पे मार्कर डाल दिया है। मार्कर से बाजू यहाँ पे हम 43 फंदे छोड़ेंगे, और यहाँ पे भी हमें ये 43 फंदों के बाद एक मार्कर डाला, बीच में 2 छोड़े हैं, फिर एक मार्कर डाल के यहाँ पे 43 फंदे। तो अब हम ये राउंड पे ये मैं बुन लूंगी, और ये जो मार्कर इधर ले लूंगी, और यहाँ पे जो सेंटर के ये दोनों पार्ट है, दोनों के यहाँ में 1 का 2 करेंगे। आप जो भी चाहे आप यहाँ पे बढ़ाना कर सकते हो। मैं यहाँ पे नीट फ्रंट बैक करें, 1 का फंदा 1 का 2 करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो एक ही फंदों के हम इस तरह से एक बार बुना और पीछे से, तो 1 का 2 हो गया। और ये सेंटर का मार्क है, हम निकाल देंगे इसको, और यहाँ पे भी हमें 1 का 2 करेंगे, तो हमें 4 बढ़ गए इधर। तो
तो मार्कर यहाँ पे और नेक्स्ट मार्कर तक हम यहाँ तक हम सीधा बुनते हुए जाएंगे पूरा। हमें हर अल्टरनेट रोज हम यहाँ पे एक बार बढ़ाया और यहाँ पे एक बार बढ़ाएंगे, तो ये यहाँ आने के बाद एक राउंड होगा, एक राउंड पूरा साधा बुनेंगे, फिर नेक्स्ट राउंड पे हम बढ़ाएंगे, तो एक एक लाइन सादा जाएगा और एक लाइन बढ़ाएंगे, तो एवरी अल्टरनेट रो हम क्योंकि हम अगर सीधा बुनेंगे ओपन टू स्ट्रेट नीडल से तो एक सीधा जाएगा, किल तो उल्टा बुनाई जाता है, तो यहाँ राउंड बुन रहे हैं, तो एवरी अल्टरनेट रो पे हम बढ़ाएंगे, एक रो बढ़ाएंगे एक रो पे नहीं बढ़ाएंगे, तो इस तरह से हम बढ़ाते हुए जाएंगे, जो यहाँ से हमें ये वाइड बनता जाएगा। तो मैं पूरा यहाँ पे फिनिश कर लूंगी। हम बैक साइड मार्कर तक आ गए हैं, मार्कर हमने इधर ले लिया इस साइड पे और इन दोनों को हम बढ़ाएंगे। आप चाहे तो एक भी बढ़ा सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे दो स्टिचेस रखे हैं, तो नीट फ्रंट बैक हमने एक का दो किया। आप चाहे तो मेक वन राइट मेक वन लेफ्ट भी कर सकते हो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन ये बिगिनर्स के लिए मैं आसान से इंक्रीजिंग का मेथड बता रही हूँ। और फिर हमें ये पूरा फ्रंट आने तक सीधा सीधा बुनेंगे, या फ्रंट पार्ट आने तक। तो फिर हम एक फ्रंट पार्ट पे आने के बाद पूरा हम एक राउंड सीधा बुनेंगे, कहीं पे बढ़ाएंगे नहीं, फिर नेक्स्ट राउंड पे सेम यही तरह मार्कर के दोनों साइड पे हम बढ़ाएंगे। तो यही प्रोसीजर हमें इस पार्ट तक आने तक करना है। आपको जितना वाइड चाहिए वहां तक आप कर सकते हो, जो यहाँ एक रेफरेंस के लिए मैंने छोटा सा पैंट रखा हुआ, इस पार्ट तक आने तक हमें करना है। ऐसे यहाँ से यहाँ तक बुनने तक बुन के बढ़ाते हुए आप देख सकते हो यहाँ पे फंदे बढ़ते हुए जा रहे हैं। अराउंड में एवरी अल्टरनेट हमने बढ़ाए थे तो 16 टाइम्स मैंने बढ़ाए हुए हैं, अराउंड यहाँ पे 28 स्टिचेस टोटल यहाँ पे ये आप देख सकते हो, कोई माप आप मेजर करके पैंट देख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक हमने मेजरमेंट होने तक बुन लिया है। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल है फंदे 154, तो अब हम लेग्स को सेपरेट करना है, लेग पार्ट को। तो ये जो सेंटर पार्ट है आपके पास कितने बचे हैं आप गिन लीजिए और उनका आधा कर लीजिए, और यहाँ यहाँ तक, क्योंकि हमें यहाँ से आधा और यहाँ से आधा पार्ट सेपरेट करना है अभी। तो यहाँ पे मेरे पास है टोटल 154 फंदे हैं, और यहाँ से यहाँ तक जहाँ आपने बढ़ाया था यहाँ पे टोटल 28 स्टिचेस बने थे, तो मैं इसमें से 14 स्टिचेस में सीधे बुन लूंगी। मैं यहाँ पे सीधे सीधे 14 स्टिचेस बुन लूंगी। 14 स्टिचेस हमने यहाँ तक बुन लिया है, मतलब यहाँ से हमें आधा तक आना है एग्जैक्ट, ये हमारा सेंटर पार्ट है पैंट का, तो आधा तक आना है। और यहाँ से टोटल 54 में मैं दो पार्ट करने से यहाँ पे 77 स्टिचेस, यहाँ पे 77 स्टिचेस बचते हैं, तो एक पार्ट का 77 स्टिचेस जो है हम एक नीडल पे निकाल लेंगे धागे के ऊपर इस तरह से सारे, तो इस तरह से ये सारे 77 स्टिचेस में निकाल लूंगी। जो 77 स्टिचेस एक धागे में मैंने नॉट लगा दिया है सेपरेट डाल के, अब यहाँ पे जो 77 स्टिचेस बचे हैं इनको हम इस तरह से डबल पॉइंटेड नीडल में, तीन नीडल में हम डाल सकते हैं। आप चाहे तो इस तरह से स्ट्रेट नीडल से भी आप बुन सकते हो, सीधा नीडल से बुन के आप यहाँ से घटा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे राउंड बुनना चाहती हूँ, कहीं पे भी सिलना ना पड़े पैंट को, तो इसीलिए मैं ये डबल पॉइंटेड नीडल में ये तीन भाग करके इनको मैं इन स्टिचेस को इसके ऊपर ले लूंगी। तो इस तरह से आप इस तरह से राउंड बुनेंगे, इवन आप ये जो राउंड आपके पास सर्कुलर नेटिंग नीडल नहीं है तो पूरा ही आप इस तरह से तीन चार डबल पॉइंटेड नीडल में आप लेके इस राउंड बुन सकते हो। मैं यहाँ पे दिखाती हूँ पैंट आप किस तरह से बुन सकते हो, उसी तरह आप ये टॉप में भी आप बुन सकते हो, लेकिन सर्कुलर नेटिंग नीडल से ये बुनना आसान हो जाता है। इस तरह से मैं तीन नीडल में ये इनको डिवाइड करके ले लूंगी, इस तरह से रैंडमली मैंने तीन भाग में डिवाइड कर लिया है स्टिचेस को, तो यहाँ पे देख सकते हो, और ये फोर्थ नीडल खाली वाला है
और यहाँ से ये एंड हो गया है, ये हम इसे इस तरह से जॉइंट करेंगे तो ये राउंड बनेगा। तो हम इस तरह से एक ऑलरेडी मेरा ये 4 रोज, आप चाहे तो एक ही कलर में बना सकते हो या डबल कलर भी डाल सकते हो। ऑलरेडी मेरा ये 4th रो हो गया है, फिर भी मैं ये ज्वाइन करने के लिए एक बार इसे सफ़ेद से ही मैं बुनूंगी, बाद में कलर चेंज करूंगी। तो ये हम इस तरह से डाला और यहाँ से जो ऊन था तो इस तरह से फर्स्ट जो कॉर्नर स्टिच है आपको घटाना भी यही इसी तरफ है, ये जो एंगल बनता है इसी तरफ आपको घटाते हुए जाना है दोनों तरफ, एक यहाँ पे घटाना है एक यहाँ पे घटाना है। फर्स्ट जो स्टिच हम प्लेन बुनेंगे तो इसके लिए हम ये एक्स्ट्रा जो नीडल है इसके लिए इस तरह से डाला, और ये जो ऊन फर्स्ट वन थोड़ा सा हम टाइट लेंगे ताकि वो लूज ना हो जॉइंट की जगह पे। तो इस तरह से थोड़ा खींच के आप टाइट कर लीजिएगा, इस तरह से गैप ना पड़े। तो आप इस तरह से पूरा सीधा सीधा बुनते जाइए। अब यहाँ पे हमें जॉइन होना है, तो हर बार हम आएंगे राउंड होने के बाद तो यहाँ हम 2 का 1 करेंगे और यहाँ पे हम 2 का 1 करेंगे। तो दोनों तरफ एक एक स्टिचेस हमें रिड्यूस करना है, घटाना है एवरी 5th रो में, कंटिन्यूस नहीं करना है, एवरी 5th रो में। मैं आपको दिखाती हूँ दोनों तरफ किस तरह से आप घटा सकते हो। तो ये मैं पूरा इसी तरह से ये राउंड फिनिश करूँगी, ये कंप्लीट करूँगी मैं जो इस नीडल में है। इस नीडल में एक स्टिच बचा है तो ये हमने सीधा बुन लिया और नीडल को आगे ताकि स्टिचेस निकल ना जाए, और ये एक हाथ में खाली हुआ तो अगेन हम इस तरह से टर्न करेंगे। अब यहाँ बुनना शुरू होगा, तो आप ये जो नीडल है नीचे रखिएगा ताकि आपको इस तरह से डालने में आसान हो, और ये इस तरह से लेके यहाँ है हमारा धागा और ये यहाँ से शुरू होगा, और फिर हमने इस तरह से धागा डाला फिर यहाँ से पूरा। तो इसी तरह से ये राउंड एंड राउंड फर्स्ट जो भी जॉइंट होता है इस तरह से ये गैप बन जाता है। गैप कम होने के लिए आप अच्छे से इसको खींच लीजिएगा, नहीं तो एक गैप बन जाता है वो। तो इस तरह से हम पूरा ये राउंड में फिनिश करूंगी, और यहाँ धागा अटैच करते हुए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से हम यहाँ पे और यहाँ पे 2 का 1 करेंगे। अब यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ पे पूरा एक राउंड में लगा के यहाँ पे आ गई हूँ। तो इस नीडल में लास्ट में यहाँ पे जॉइन है तो यहाँ पे हमें घटाना, यहाँ पे 2 का 1 करना है और यहाँ पे 2 का 1 करना है। आप इस तरह से पकड़ोगे तो हम यहाँ घटाने के बाद स्टिच का मुंह इस तरफ टर्न होना चाहिए और यहाँ घटाने के बाद इस तरफ लेफ्ट साइड मुंह होना है। इसीलिए आप यहाँ पे घटाते हो तो यहाँ पे मैं नया ऊन अटैच कर रही हूँ मेरे कलर वाला, तो यहाँ पे ये छोड़ दिया मैंने पुराना ऊन। और यहाँ पे जो है राइट साइड आप करते हो तो यहाँ पे दोनों का इस तरह से 2 का 1 कर लीजिए राइट साइड टर्न होने के लिए। मैं इसमें जो ये 2 का 1 हो रहा है यहाँ पे नीट टू टुगेदर नया ऊन अटैच करके इस तरह से मैंने 2 का 1 कर लिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जॉइन जा रहा है यहाँ पे भी हमें एक घटाना है 2 का 1 करना है। यहाँ पे कैसे करेंगे, ये जो ऊन है 2 हम साथ में ले लेंगे, साथ में लेके ये जो ऊन है यहाँ पे लेके फर्स्ट वन बिना बुने उतार लिया, सेकेंड वन इसको खींच के यहाँ से बुन लेंगे और ये बिना बुना हुआ यहाँ से उतार देंगे। तो ये 2 का 1 हो गया। इससे ये नीट टू टुगेदर करने से यहाँ पे इस तरह से ये बढ़ेगा, टर्न होगा स्टिच और यहाँ पे इस तरह से आपको वी का नजर आएगा जोड़ होने के बाद। आपको लास्ट में मैं दिखाती हूँ, और ये कंटिन्यूस हमें अभी 4 राउंड्स
यही एक ही कलर का हमें कंटिन्यू करना है। एवरी फिफ्थ रो पे हम यही प्रोसीजर कंटिन्यू करेंगे। तो मैं राउंड एंड राउंड इसी तरह से जितना मुझे लेंथ चाहिए उतना तक मैं यहाँ तक एटलीस्ट बॉर्डर तक मैं यही सेम प्रोसीजर कंटिन्यू करते जाऊँगी। एवरी फिफ्थ रो पे मैं घटाते जाऊँगी। आप देख लीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा नैरो चाहिए तो घटाते जाइएगा, नहीं तो घटाने का जो रेंज है, मैं जैसे फिफ्थ रो में मैं घटा रही हूँ, आप एट्थ रो पे घटा सकते हो, सिक्स्थ रो पे घटा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे फिफ्थ रो पे घटा के आपको दिखाती हूँ। तो एवरी फिफ्थ राउंड पे मैं है यहाँ पे दोनों तरफ, यहाँ पे दो का एक नीट टू टुगेदर, यहाँ नीट स्लिप वन, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका मेजरमेंट का एक लेग मैंने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे हमने इस तरफ नीट टू टुगेदर, यहाँ पे स्लिप वन नीट वन एंड पास ओवर नीट स्टिच। तो इस तरह से हमने दोनों तरफ एक एक स्टिच घटाते हुए अराउंड मैंने यहाँ से यहाँ तक 8 बार घटाया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 अराउंड 7 to 8 टाइम्स मैंने यहाँ से यहाँ तक घटाते हुए गए हैं। आप देखिए अपने हिसाब से, आप अगर पैरेलल चाहिए घटाना, इस तरह से टेपर्ड नहीं चाहिए तो आप यहाँ से घटाइएगा नहीं, जस्ट राउंड एंड राउंड। आप लूज पैंट चाहिए तो बनाते जाइएगा, आप ये बॉर्डर बनाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप यहाँ पे गार्टर स्टिच का एक रो बना दिया तो आपका पैरेलल हो जाएगा पैंट। अगर आपको इस तरह से पैंट नैरो चाहिए तो आप हर, मैंने यहाँ पे फिफ्थ या सिक्स्थ रो पे, एवरी फिफ्थ या सिक्स्थ रो पे हमने यहाँ पे घटाते हुए गया है। ये डबल पॉइंटेड निटिंग नीडल से आप करोगे तो ये राउंड एंड राउंड कहीं पे भी आपको सिलने की जरूरत नहीं पड़ती है। कहीं पे भी पैंट, ये पूरा पैंट आपको कहीं पे सिलने की जरूरत नहीं है, सीमलेस कहते हैं इसको। तो इस तरह से ये बन, और यहाँ पे 8 बार घटाने के बाद यहाँ पे मैंने ये जो तीन ये पट्टियाँ हैं ये इसको मैंने बिना घटाए सिर्फ राउंड एंड राउंड बुनते हुए गया है। बाद में यहाँ पे बॉर्डर बनाया हुआ है अराउंड, मैंने यहाँ पे बॉर्डर बनाया हुआ है 1 से 1.5 इंच तक में बॉर्डर बनाया है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दी हूँ, यहाँ अराउंड मैंने घटाना बंद करके 3 राउंड मैंने अगेन यहाँ पे बिना घटाए ये राउंड्स कंप्लीट कर लिए। अब हमें यहाँ पे बॉर्डर बनाना है। बॉर्डर जैसे हम नॉर्मल बनाते हैं, अगर आप सिंगल कलर में बना सकते हो, अगर आप डबल कलर में बनाना चाहते हो तो हर बार, अगर बिगिनर हो तो इसको ऊन को कट करने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर यहाँ नेक्स्ट आपको ये अभी चल रहा है, अगर आपको नेक्स्ट ये लेना है तो इससे आप शुरू कीजिए। यहाँ बिना कट किए ये इस थ्रेड को इसी तरह छोड़ दीजिए। तो इस तरह से ये अंदर से इस तरह से आता जाता है, उसको हर बार कट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने पूरा राउंड्स कंप्लीट करने के बाद एक राउंड सिंपल ब्राउन कलर का कंप्लीट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे रिबिंग स्टार्ट करूँगी जैसे हमने यहाँ पे किया था। आप यहाँ पे जिस तरह से बॉर्डर बनाए रहते हो उसी तरह से आप यहाँ पे भी बॉर्डर बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ 2x2 दो एक एक्स्ट्रा नीडल, 3 ऑलरेडी है, ये खाली नीडल है हमारा। तो यहाँ पे डाल के 2 सीधे और धागा आगे लेके 2 उल्टे। तो राउंड एंड राउंड ना हमें इसे ऐसे ही करते जाना है और कुछ नहीं। आप एक बार स्टार्ट करोगे तो ये मालूम पड़ जाएगा। अगर आपको 4 सिलाइयों से या 3 सिलाइयों से किस तरह से बुनना है, बिगिनर हो तो आपको ट्यूटोरियल चाहिए डिटेल में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका ट्यूटोरियल बना सकती हूँ। 2 सीधे 2 उल्टे इसी तरह से हमें राउंड एंड राउंड करते हुए जाना है। ये इसी तरह से 2 उल्टे 2 सीधे का पूरा राउंड हम करेंगे। यहाँ आने के बाद यहाँ देखेंगे फर्स्ट हमें 2 सीधे हैं तो 2 सीधे के ऊपर सीधे ही डालना है, उल्टे के ऊपर उल्टे। तो इस तरह से हमें अराउंड 1.5 इंच तक बॉर्डर कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ से हम यहाँ तक 1.5 इंच तक बॉर्डर बुन लिया है। अब फंदे हम बंद कर लेते हैं। यहाँ है हमारा थ्रेड, तो मामूल जैसे हम फंदे बंद करते हैं उसी तरह से यहाँ पे हमने डाला नीडल इस तरह से, ये इस तरह सीधा एक बुन लिया, सेकंड वन बुन लिया और पहले वाला हम इस तरह से लेके इसके ऊपर से निकाल देंगे।
फिर नेक्स्ट बुनेंगे पीछे का, इसके ऊपर से इस तरह से उठा के डाल देंगे। सो एक बुना, फिर इसके ऊपर से इस तरह से सारे फंदे इस तरह से हम बंद करते हुए जाएंगे, नॉर्मल बाइंड ऑफ करेंगे हम फंदों को। तो यहाँ फंदे इस तरह से बंद होते जाएंगे, तो सारे फंदे हम इसी तरह बंद कर लेंगे। और मैं इस आपको इसका मेजरमेंट बाद में बता देती हूँ, इसका लेंथ क्या है। यहाँ आप देख सकते हो सारे फंदे हमने बंद कर लिए हैं। आप बंद करने के बाद लास्ट आप नॉट डालने के बाद आपको इस तरह का एक गैप नजर आता है। इसको बंद करने के लिए आप यहाँ से ये सुई में लेके यहाँ का जो ये वी आपको नजर आ रहा है इस तरफ का, इस वी में आपको इस तरह से डालना है। डाल के आप क्लोज कर दोगे तो ये गैप अब सीधा हो जाएगा, देखिए स्ट्रेट में आ जाएगा, नहीं तो एक ऑकवर्ड लगेगा, वो थोड़ा सा गैप नजर आ जाएगा, फिनिशिंग अच्छा नहीं निकलेगा ये। अब हमें इस नीडल को इसके अंदर ही रैंडमली हम डाल देंगे। तो फाइनली ये रेडी हो गया है पैंट। ये आता है अराउंड 6 मंथ्स टू 1 ईयर बेबी तक आराम से आप डाल सकते हो, क्योंकि ये कमर का जो है यहाँ पे हमने 90 फंदे डाल के ये डाले थे। अगर आप छोटा बनाना चाहते हो जस्ट बॉर्न से, अगर आप 3 महीने 4 महीने तक बच्चे के बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आप 80 फंदे भी डाल सकते हो। अगर आप इतना ही बनाओगे, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल रहता है तो आराम से ये पहना हो जाता है, अगर आप छोटा बनाना चाहते हो तो 80 आप डाल सकते हो बना के। एंड यहाँ पे आप बढ़ाना जो है, अगर आप यहाँ से मैंने जो जिस तरह से बना बढ़ाया हुआ है यहाँ पे ऐसे भी बढ़ा सकते हो, इससे आपको डायपर बच्चे को डायपर के ऊपर भी ये पैंट आप पहना सकते हो। नहीं तो आप यहीं पे अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ पे 10-15 इमीडिएट आप बॉर्डर के बाद भी आप बढ़ा सकते हो। ये डबल बॉर्डर बनाने से यहाँ पे आपको नाड़ा डालने के लिए बहुत ही आसान हो जाता है और कमर के एरिया में बहुत सॉफ्ट बनता है ये। तो यहाँ पे टोटल मेजरमेंट मैं बताती हूँ, बॉटम से लेकर टॉप तक ये बना हुआ है अराउंड 15 सेंटीमीटर तक बना हुआ है, 15 इंच तक, सॉरी आप देख सकते हो 15 इंच तक ये बना हुआ है। एंड इसका यहाँ से यहाँ तक 8 इंच है और यहाँ से लेकर यहाँ तक बॉर्डर तक अराउंड 6 इंच तक है। एंड यहाँ पे आपको विड्थ मिलेगा अराउंड 10.5 इंच तक और यहाँ पे कमर पर मिलेगा आपको अराउंड 8 इंच तक, 8 इंच। तो ये है इसका लेंथ। एंड ये जो बॉर्डर है अपने हिसाब से आप कर सकते हो। यहाँ मैं ऊपर का बॉर्डर अराउंड 2 इंच तक मैंने रखा हुआ है एंड नीचे का बॉर्डर अराउंड 1.5 इंच तक मैंने रखा हुआ है। तो ये बॉर्डर का लेंथ का जिस तरह से आपको बच्चे के लिए चाहिए, अगर अभी थोड़ा बड़ा चाहिए तो यहाँ पे आप 100 फंदे भी डाल सकते हो। तो इस तरह से आप ये बनाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है फ्रेंड्स। एंड हिट ऑन बेल आइकॉन टू नोटिफाई माई न्यू वीडियोज़। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय।